बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज पार्लियामेंट हाउस में यानी कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को पास कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ की शदीद हंगामा राई और इस हंगामा राई के दौरान ही ये बिल पास हुआ। लेकिन अब मामला ये है कि क्या पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद होगा या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद होना है। ये फैसला इदारों ने करना है कि बिल जो है वो पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बड़ा है। इसका फैसला आइंदा चंद दिनों में जो है वो हो जाएगा। इसके बाद ये बिल जाएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान इसकी इस पर साइन करेंगे और ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर इस पर अमल दरामद होना बाकी है। इस बिल के तहत जो है जिस शख्स ने पहले ओथ दे लिया उसका ओथ जो है वो चेंज नहीं हो सकता। जिसके जिस कागजात नामजदगी के साथ जो है वो पार्टी सर्टिफिकेट नहीं था वो जो है वो आज़ाद डिक्लेयर होगा। ये इस बिल का मैंने आपको चंद अल्फाज बताए हैं लेकिन इस पर तफसील से बात होगी। और इसके साथ हम जा रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने के बानी चेयरमैन ने जो डिमांड की थी कि फ़ौज कोई अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, फ़ौज की तरफ से तो ना हो गई। अब क्या तहरीक इंसाफ जो है क्या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी या किसी और डोर का इंतज़ार करेगी, कोई दरवाज़ा खुलेगा तो फिर बातचीत होगी। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की सूरत हाल इस वक्त क्या है और वहाँ पे क्या चल रहा है, ये भी इस प्रोग्राम में इसका हिस्सा है। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं हमारे साथ राना आतिफ साहब, तहरीक इंसाफ से तल्लुक है आपका। राना साहब शुक्रिया आपका। राजा कमर इस्लाम साहब, मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है। राय साहब आपका शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर राय साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज ये बिल पास हो गया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है और इसके बाद जारी बात है ये कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो अमल दरामद सर क्या होगा? क्या कानून पर अमल दरामद होगा या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद होगा? देखें जी, जितना सवाल है उसका उतना ही सादा जवाब। ठीक है। गवर्निंग जो इस वक्त ड्राइविंग फोर्स है जो के डिसाइसिव डॉक्यूमेंट वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब जो आज बिल पास जो अभी मुस्तकबिल करीब में कानून का दर्जा हासिल करने जा रहा है उसको सामने रखें और आइन की जो क्लॉजेज हैं रेलेवेंट क्लॉजेज जिसमें 63 है 106 है इसके साथ मिला के तो कोई एक कॉमन सेंस का जो कॉमन अंग्रेजी जानता है, कानून का बहुत बड़ा तालिब इलम नहीं है, कानून का बहुत पायर नहीं है, सिर्फ कॉमन अंग्रेजी या उर्दू जानता है, उसके उर्दू वर्जन दोनों के मौजूद हैं, इस अमेंडमेंट के भी मौजूद हैं और इलेक्शन एक्ट 2017 के भी मौजूद हैं और आइन के भी मौजूद है, वर्जन भी इसके साथ मिला के पढ़े और इसी तरह फिर साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उस आइन की कैपेबिलिटी के साथ कोई भी शख्स, मैं बड़े दावे से कहता हूँ तुलना बलद नहीं है तो सामने कि किस अमल होना है। तो मैंने लॉजिक आइन को तो सब मानते हैं बाद आ जाता है दूसरा पीयर्स। तो अगर मैंने कोई खत लिखा किसी को कोई उसमें कोई पढ़ने में या समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला उस चिट्ठी का ऑथर करेगा। एक डॉक्टर ने नुस्खा लिखा और वो नुस्खा पढ़ने में मसला आ रहा है। मैं आम फहम जुबान में गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं ताकि जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हो के लिए, डॉक्टर का नुस्खा अगर समझ नहीं आए तो चाहे अगले दिन जाए चाहे रात को डॉक्टर को फोन करें तो पूछते उसी से। तो आइन का जो ऑथर है वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है। जो पार्लियामेंट है उसके पास ना सिर्फ इनहेरेंट पावर्स है सारी बल्कि तमाम जो मंबा है यानी अवाम की डेलीगेटेड पावर्स अगर जुडिशरी के पास आती भी है तो वो थ्रू पार्लियामेंट आती है। ठीक है। इसका मतलब सर ये हुआ कि जो तहरीक इंसाफ को सीटें देने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वो अमल दरामद नहीं हो सकता क्योंकि बिल पास हो गया, कानून बन गया है, तो अब जो है वो पार्लियामेंट अपने कानून पर अमल दरामद करेगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और दूसरी बात यह है कि आप देखें
अगर मुझसे ये सवाल किया जी, आप अगर पाकिस्तान का जो ये आज बिल है ये बुनियादी तौर पर उसकी भी एक एक्सप्लेनेशन है, यानी पहले भी लिखा हुआ था कि शल सबमिट देयर एफिडेविट अपनी पार्टी एफिलिएशन, उसको कह दिया गया है कि इरिवोकेबल, बाकी कोई चीज तब्दीली नहीं है। वो भी पहले 3 दिन के अंदर आजाद उम्मीदवार ने अपनी पार्टी एफिलिएशन 3 दिन फ्रॉम नोटिफिकेशन से शो करनी थी, उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया। दूसरा भी इसी तरह उसके साथ इरिवोकेबल लगाया गया। आप अगर आइन का आर्टिकल देखें तो जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक थी वो जो आजाद जीत के पार्टी शामिल होते हैं उन पे भी उसी तरह लागू होती है आइन में, ये तमाम लोगों का कंसेंसस है। तो ये बुनियादी ये ठीक है। राणा साहब आप बताइएगा अक्सर कि एक तो पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना करने वाला आज़ाद तस्वर होगा, यानी कि जो आप जारी बातें आप इलेक्शन लड़ते हैं, नामिनेशन पेपर है, आपने पार्टी के जो है वो खाने पे टिक करनी है, ये सर्टिफिकेट साथ जमा करवाना है, फिर वो कहते हैं जी कि विद इन 3 डेज जो आज़ाद उम्मीदवार है वो अपनी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, तो दोनों सूरतों में नहीं हुआ तो अब कैसे ये मामला हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इस बात को समझने के लिए आपको पूरा इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये जो मेरे भाई अभी बात कर रहे थे, ये बात जो कह रहे हैं ये हकायक के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है 12 जुलाई को, पहले तो मैं आपको थोड़ा उसके उसे पीछे लेके जाता हूँ। जिन हालात में ये इलेक्शन हुए थे, आयन तो ये कहता है पाकिस्तान की ये जो इनको आयन की और बड़ी ये जमहूरियत की और पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, आयन तो ये कहता है कि तमाम जमातों के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, आयन ये कहता है कि आयन का आर्टिकल 14, 15 और 16 ये कहता है कि राइट टू असेंबल है, राइट टू फॉर्म अ पोलिटिकल पार्टी है। आयन का आर्टिकल 15 ये भी कहता है कि लोगों की जो फ्री मूवमेंट है उसको नहीं रोका जा सकता। मैं इनको आयन के सारे आर्टिकल बता दूंगा आयन क्या कहता है। ठीक है, उसके बावजूद जिन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, आपको पता है कि 13 जुलाई को एक फैसला दिया जाता है जी कि इनके इस पार्टी के इंतखाबी निशान नहीं है। ठीक है, उसके उसमें मैं जाए बगैर आपको ये कहता हूँ, जिन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, लोगों के नॉमिनेशन पेपर छीनने गए, तरह तरह की हमें ना में जलसा करने की, ना में कॉर्नर मीटिंग करने की, ना में रैली, जिन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा है उन हालात में इलेक्शन लड़ना, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया, ये तो पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं कभी हुआ होगा। एक जमात ने जो पार्लियामेंट की 300 साल तारीख है कि एक जमात ने बगैर किसी अपने इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़के और जीत गई और 3/4 सीटों से इलेक्शन जीत गई। उसके बाद आयन की स्पिरिट क्या थी? देखें, इन्होंने एक ऐसी इलेक्शन कमीशन ने जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी लिखा, 11 जजेस ने कहा कि ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो एक जमात थी, 13 जजेस ने कहा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो एक जमात थी वो जमात ख़त्म नहीं हुई थी। अच्छा। बशमूल काजी फाइजी साहब चीफ जस्टिस के, ठीक है, उन्होंने ये कहा, उनका ये जमात थी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, जमात नहीं थी, निशान जो है वो जमात थी, हमने निशान लेने का कहा था। अच्छा। जमात को उन्होंने हमें जब हमारा नोटिफिकेशन किया, हाँ, हमारे 93 के 93 कैंडिडेट्स का, वो उन्होंने आजाद हमें डिक्लेयर किया होगा। ठीक है, आपको पता होगा इस सिचुएशन की वजह से ही हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमने इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि हम तो पाकिस्तान तरीके, उन्होंने कहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उन्होंने अपनी वेबसाइट के भी जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से उसे उड़ा दिया था, तो हम उस टाइम पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैसे ज्वाइन कर सकते, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन जो 22 इलेक्शन कमीशन था इसे हमने कहा कि ये आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं कि अगर तरीके इंसाफ थी और निशान नहीं था तो क्या फिर कैसे आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता कि बल्ले में निशान? वो तो इलेक्शन, वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखे ना, जब आप जो सुप्रीम कोर्ट है, देखिए यहाँ तो आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं आप नहीं मानते, ये नहीं हो सकता जब कहें कि मेरे जो मुझे फैसला कबूल है वो मैं मान लूं, जो मुझे कबूल नहीं है, जो मुझे फेवरेबल नहीं वो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, उसमें हुआ ये कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके आपने, उन्होंने बार बार, मैं सारी काफी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पे मैं गया, बार बार जजेस ने कहा, काजी फाइजल साहब ने भी ये कहा कि हमने बल्ले के निशान की बात की थी, पार्टी को हमने खत्म नहीं किया था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हो सकती ऐसे, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी को खत्म फैसले पा जाते हैं। मैं उस तरफ आ रहा हूं। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि आपने हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की, और जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स के ऊपर और जिन्होंने अपना टिकट और बयान हल्फी जमा करवाया था वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उनको तस्वर किया जाए। हालांकि आपको पता है कि ये सारे के सारे लोग जो हम 160 से 170 सीटें हमने जो जीती, वो फॉर्म 47 वाली कहानी तो अब जबान ज्यादा आम है,
बच्चे बच्चे को पता है कि उस दिन क्या हुआ जो 9 फरवरी को हुआ। उन्होंने कहा कि ये लोग अगर ज्वाइन करते तो इन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी थी। देखें आपको भी पता है मुझे भी पता है कि वो सारे के सारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ही कैंडिडेट थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो ये पार्टी थी उन्होंने कहा कि इनको 15 दिन का वक्त देते हैं, ये आइन री राइट नहीं हुआ। अगर जो आइन की गलत इंटरप्रिटेशन की थी उसको करेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी, आइनी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आर्बिट्रेशन है, हमने एंड पे सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना होता है। तो उन्होंने कहा कि ये वो जो लोग हैं उन्होंने 39 लोगों को पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया एनेक्सर ए के अंदर, और एनेक्सर बी में उन्होंने कहा कि ये लोग इंडिपेंडेंट हैं और ये लोग अगले 15 दिन के अंदर 15 वर्किंग डे के अंदर जिस जमात में ये सर क्या कहते हैं आयन क्या कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन कर दी जाए तो उसका क्या हल क्या मुझे बताया ना कि अगर ये गैर मामूली सूरत हाल हो जहाँ पे एक गलत इंटरप्रिटेशन ही फैसले की कर दी जाए उसके बाद आयन की स्पिरिट ये है कि जिस जमात ने जितनी सीटें जीती हों आप देखें पहले आप समझें कि रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट क्या था। रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट ये बंदरबांड नहीं था, रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट ये था कि जिस जमात ने जिस तरह जिस हिसाब से सीटें जीती हों उनको उस हिसाब से सीटें दे दी जाए। अगर एक जमात ने 2 सीटें जीती हों उसको 50 सीटें रिजर्व तो नहीं मिल सकती थी, तो उस फैसले को करेक्ट किया गया। देखिए हम सबको पता है कि ये गेम है क्या, इसको हम यानी मुंह शगाफी में ना पड़े। कॉमन सेंस तो यही कहती है जिस जमात ने सीटें जीती हैं उस जमात को वो सीटें मिलनी चाहिए, कैसे मिल सकती है किसी और को जिस जमात ने वो सीटें जीती नहीं। वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट सारा ये था। तो अब ये जो उन्होंने आज लेजिस्लेशन की है ये मेलाफाइडी है, ठीक है। ये सिर्फ अपने आप को रिजर्व सीटें जो इनके अजायम हैं, और मैं इनको ये वार्न कर रहा हूँ कि ये ना करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का डिफाइंस में है, ठीक है। ये एक पार्लियामेंट से एक बिल पास करके ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाइंस नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट इस ये जो इन्होंने जो इलेक्शन एक्ट में जो चेंज किया है ये सुप्रीम कोर्ट मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकाम हैं और ये रेट्रोस्पेक्टिव जाके कोई कर भी नहीं सकते। कोई भी देखे ये रेट्रोस्पेक्टिव जाके कोई कानूनी पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो भी अगर पास कर सकते हैं वो प्रोस्पेक्टिव पास कर सकते हैं। तो इसलिए बात समझने की जरूरत यही है कि ये जो सब कुछ हुआ है जो जितना बिगाड़ था सुप्रीम कोर्ट उसको अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन और कानून के साथ खड़े होकर अगर जो आइनी और कानूनी बहरान था जो बिगाड़ था उसको दुरुस्त किया है वो खुशाइन चीज है। ये लोगों हम जो पार्लियमान है वो पार्लियमान लोगों से आती है, जिन्होंने कहा पार्लियमान की सुपरमेसी। तो सबसे बड़ी सुपरमेसी क्या है कि लोगों के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, ना कि फॉर्म 47 को किया जाए और लोगों के मैंडेट की तोहीन की जाए। राणा साहब इस इवहाम को कौन दूर करेगा इस पर भी बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मामला सादा भी है और मामला जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार भी है कि आखिर फैसला किसने करना है कि अब ये सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, पार्लियामेंट ने अपना फैसला दे दिया, और जो पहले इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा वो विद इन 3 डेज जो है अपनी कोई पार्टी ज्वाइन करेगा, और अगर कागजात नामजदगी में उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा उसके साथ पार्टी टिकट नहीं होगा तो वो आज़ाद डिक्लेयर होगा। अब इसका फैसला कौन करेगा? राय साहब वही समझाइए सर कि थोड़ा सा बताइए कि अब इसका फैसला कैसे होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तरीके इंसाफ कहती है दुरुस्त है, हम भी मानते हैं दुरुस्त है, फैसला ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं आप लोग भी, हम भी कन्फ्यूज हैं कि आखिरी मामला जाएगा किस तरफ। सर देखें बाइंडिंग जो चीज है वो तो आइन है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा जी। ये जो 3 दिन है ये नोटिफिकेशन के 3 दिन है, यानी इलेक्शन कमीशन जिस दिन नोटिफाई करता है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नोटिफिकेशन फरवरी में हुआ था तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को, यानी मैं आज कहूं लॉजिकली के जी मैं तो गलती से उस दिन मैं गया तो वो मेरे पे इतने वोट लिए थे। जहाँ पे कायदे हैं रूल्स हैं वहां पर कुछ टाइम लाइन भी होती है और कानून जहां जहां शैल का लफ्ज होता है वो बाइंडिंग होता है और आइन की रूह स्वे कानून की रूह से, यानी आप सिर्फ इस तौर से 3 दिन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा करें। एक आदमी आजाद इलेक्शन लड़ता है प्योर आजाद, वो असेंबली में चला जाता है जीत के,
तीन दिन में उसकी मर्जी है, अगर वो शामिल होना चाहे, अगर नहीं होता तो वो आजाद अपना वजूद रख सकता है, लेकिन अगर जिस दिन वो शामिल हो गया उसने एक बयान अल्फी दे दिया तो फिर वो इररिवोकेबल होता है। आप इनके आर्टिकल में देखें, अगर किसी मौके पे वो प्राइम मिनिस्टर के अदम एतमाद पे या बजट में वोट नहीं देता अपनी पार्टी की मर्जी के मुताबिक तो वो डिस्ट्रीट होता है, तो इसका मतलब है वो इररिवोकेबल था। ये जो फैसला है ये तो रास्ता खोल देगा कि अगर आज वो पहले सुन्नी इत्तेहाद के लिए उन्होंने अप्लाई किया, वो पीटीआई में जा रहे हैं, और ये सारी बुनियाद क्या है, तखय्युल है। यानी मैं आपको एक और मिसाल दे दूं कि हर जमात के चार चार लोग होते हैं, खुद हमारी जमात के जो पेपर्स दाखिल कराते हैं उन पर लिखा होता है हमारा ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है, लेकिन उस फैसला कौन करता है, टिकट या पार्टी फैसला जी, जी सही है, इसकी बुनियाद पे किया जाए। कल कोई उम्मीदवार कहे जी वो तो मैंने वैसे लिखा था, मैं तो इलेक्शन आजाद लड़ के आया हूँ, अब मैं कल कोई तरीके तफजे जो है वो हकूक निस्वा पार्टी बनाना चाहता हूँ तो उसमें शामिल होऊंगा, तो वो क्या वो उधर शामिल हो जाएंगे, ये तो एक दरवाजा खोलने वाली बात है जो आईन की बुनियादी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका भी ये कहना है कि हमारा जो फैसला था उसकी तशरीह गलत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमने पार्टी तो थी, तहरीक इंसाफ थी, लेकिन बल्ले का निशान वापस लिया गया था। अब इसका फैसला सर कौन करेगा कि पार्टी है बल्ला नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि कोई नया जो है वो निशान अलाट करता, या क्या रास्ता था फिर? देखें ये इसी बात को ले लें आप, इसी बहस के, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चूंकि इंतखाबात उसके मुताबिक नहीं हुए, और किसके मुताबिक नहीं हुए, कोई कानून इलेक्शन कमीशन का बनाया हुआ नहीं था, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अपना आइन उन्होंने बनाया था, और ये वो आइन था याद रखिएगा कि जिसकी बुनियाद पे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे एतराज किया करते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इंतखाबात का सिस्टम इंटरनल पार्टी का ठीक नहीं है और यहाँ पे खानदानों की हुकूमत है, तो उन्होंने आइन बनाया अपनी जमात का, बनाया खुद जमा किया, और उसके मुताबिक जब इलेक्शंस नहीं कराए तो उनको उनसे वो इंतखाबी निशान वापस किया गया। पहली बात ये याद रखने की जरूरत है कि वो अपने होते हुए खड़ा जो था उनका उसके तहत लिया गया। अब जब ले लिया गया वापस और एक उस फैसले के तहत, उसके बाद तो वो अब जितने लोगों ने इलेक्शन लड़ा है उन्होंने खुद अपनी मर्जी से इंतखाबी निशान किया है, यानी वो आजाद उम्मीदवार अपनी मर्जी से हुए, उन्होंने खुद सिलेक्ट किया बचे हुए निशानों में से, तो अब तो ये सिंपल प्रोसेस है, और इसकी रोशनी में अब कोई देखे ना, जब कोई भी अदारा अपनी हदूद से आगे बढ़ के कोई चीज करता है तो उसे अगर ना रोका जाए तो कानून बन जाता है। एक पुलिस का ऐसा जो खिलाफ वर्जी करता है अपने SOPs की, तो अगर वो नहीं करता तो ठीक है, लेकिन अगर उसका एक सुपीरियर बॉडी आके तो उसे उसको इन ब्लैक एंड व्हाइट कह देती है या आपने गलत किया, तो फिर अप होल्ड कौन सा डिसीजन होगा उस सुपीरियर बॉडी का, और पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो दरान साहब क्या नहीं करने जा रहे हैं आप इस कानून को, क्या और फिर क्या रेमेडी क्या होगी, और क्या देखिए जावेद बलोच साहब, अगेन मैं आपको बात बताऊं कि ये कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेलाफ आईडी है। देखिए बात सुने, ये बात ये कह रहे हैं कि कौन से कानून के तहत इनको ये सीट्स मिलनी चाहिए रिजर्व, मुझे वो कानून बता दें जिसके तहत। आयन तो ये कहता है, आयन क्लियर है, पढ़ लें इलेक्शन एक्ट पढ़ लें, आयन क्लियर है कि जिस पार्टी ने जिस तरह सीटें जीती होंगी उसी प्रपोर्शन से उसको रिजर्व सीटें मिलेंगी। मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने शुरू में इब्तदाइये में राजा साहब ने कहा कि जी एक कॉमन सेंस की बात है, मैं लॉजिकल बात करूंगा, मैं आपको लॉजिकल बात कहता हूँ। अगर एक जमात 270 जो सीटें हैं, 266 हैं, जो उसमें से वो सारी की सारी सीटें जीत के आ जाती है, ठीक है, तो और जैसे अगर फर्ज करें सारी सीटें हम जीत के आ जाते, जो कि तकरीबन हम 3/4 हम जीत के आ गए थे, अगर एक जमात सारी सीटें जीत के आ जाती है तो जो बाकी, और उसके पास कोई इलेक्शन सिंबल नहीं होता जो हमारे साथ किया गया सफा, तो वो बाकी रिजर्व सीटें बाकी जमातों में किस फार्मूला के तहत तकसीम की जाती हैं? आयन तो ये कहता है, ये नहीं है कि कोई माले गरीमत नहीं था कि सीटें जी क्योंकि ये बच गई हैं तो हम आपस में बंदरबांट कर लेते हैं,
ये बड़ा गलत हुआ। और ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये नौबत आई क्यों, ये उस पर सोर्स पे तो ये जा नहीं रहे, क्योंकि इनको पता है कि ये अगर सोर्स पे गया तो इनको इनके लिए मसला, वो सोर्स ये था कि एक पार्टी को इलेक्शन में दीवार के साथ लगाया गया। इनका ख्याल था कि जब ये लोग, जब ये पार्टी, हमें तो बड़े बड़े लोगों ने कहा जी कि या आपकी पार्टी तो सीटें जीत ही नहीं सकेगी, पर आपने देखा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान के जो कैंडिडेट थे उनका निशान उन्होंने ढूंढ ढूंढ के, लोगों ने डेढ़ डेढ़ दो दो लाख लोगों ने वोट डाला। मैं जिस हल्के से आऊँ, मैंने 50,000 से अपने ओपोनेंट को इलेक्शन हराया, मैंने सिर्फ 17 दिन कैंपेन की, और जिन हालात में कैंपेन की मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। देखें तो उस वजह से सारा ये बिगाड़ पैदा हुआ। इनको किस कानून के तहत ये सीटें मिल सकती हैं? दूसरी बात मैंने कहा लॉजिकली बता दें कि ये सीटें इन्होंने जीती नहीं हुई, एक जमात सीटें 50 जीतती है, उसको क्या उसको 40 रिजर्व सीटें मिल जाएंगी? ये कौन से कानून के तहत होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई गलत, अगर हम गलती की तरफ जा रहे थे, अगर उसको कोई सुधार दिया है तो उसमें मसला क्या है? अगली बात आपकी, देखें ये जो पावर की जो डाइकॉटमी ऑफ पावर है उसमें ये कहा गया है ये कानून बनाना पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो पार्लियामेंट ने नहीं करनी, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और जो और ये ओपन फॉर और मेरा हमारा ये कुली तौर पे मानना है कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा बिल्कुल हम इसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये आइन की स्पिरिट के खिलाफ है और ये हम समझते हैं ये मैलाफाइड है। और ये उस मौके पे किया गया जब इनको नजर आया कि इनका जो सारा इनका गेम प्लान था वो खराब हो गया, ठीक है। अब हम इसको कोर्ट में लाजमी चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के साथ खड़ी होगी। देखिए अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को डिफाइंस करना शुरू कर दिया ये बड़ा ख़तरनाक होगा इस मुल्क के लिए। हमें कोई फैसले देखें जो जिसके खिलाफ फैसला आता है ये एक फितरी अमल है। उसको तरीके इंसाफ ने कभी सुप्रीम कोर्ट या जजों के खिलाफ कोई चीज कभी नहीं की, सोशल मीडिया भरा। मैं आपको बता देता हूं, इस पे ही बात करते हैं। मेरा जवाब ले लें, आपने कमेंट किया मैं आपको जवाब दे देता हूं। सर एक मेरा जवाब ले लें, जितनी स्मेयर कैंपेन हमने नहीं उमर अताब बंदियाल साहब से लेके साकिब निसार साहब से लेके वो भी इस मुल्क के इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जस्टिस गुलजार से लेके आसिफ सईद खोसा से लेके उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह से लेके मैं आपको जितनी तारीख सुनाऊंगा ना जितने इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर समेर कैंपेन चलाई है कोई जमात उसके नज़दीक भी नहीं पहुँच सकती। तो हमने जो जजेस की और जो आइन और कानून की बात की और यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी वो फुटेज अभी भी अवेलेबल हैं जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था। वाहिद जमातें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हमला कर दिया था और जजेस को अपनी जान बचानी। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो ये फैसला है ये जो कानून है क्या इसका इतलाक फैसले से पहले का जो है वो होगा या फैसले के बाद जो है हालात है उस पर भी होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राय साहब, सेनेटर पाकिस्तान ने भी ये बिल जो है मंजूर कर लिया है और अब सदर पाकिस्तान भी जब इस पर साइन कर देंगे तो ये बिल जो है वो कानून बन जाएगा। अब मामला ये आ रहा है सर कि कानून जो है वो अब बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है पहले आ चुका है, तो अब इसका फैसला कौन करेगा कि ये इस कानून का इतलाक जो है अब से जो फैसले आएंगे उसके उस पर होगा या जो माजी के फैसले हैं उस पर भी सर ये अमल दरामद होगा इस पर? देखें ये दुनिया भर में कानून का मैक्सिम ये है कि जब भी कोई कानून बनता है जिसका ताल्लुक किसी प्यूनिटिव एक्शन से होता है तो उसको माजी से उसका इतलाक नहीं किया जा सकता। पहला आपके सवाल का जवाब क्या है जिसका ताल्लुक यानी मुझे आज की तारीख में कहीं ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता हूं तो मुझे अगर नहीं पता उस वक्त उसकी सजा का कानून नहीं था तो उस सजा को बैक डेट से मुझ पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कौन सा है जो सजाओं का जिसके साथ सजा का ताल्लुक, ठीक है, ये एक जो जनरल रेगुलेटरी क्लॉज है तो इसके साथ वो वाली प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। एक बात, दूसरी बात ये इस कानून में कहीं भी देखे तो ये लिखा हुआ नहीं है कि इसका जो इट विल टेक इनटू इफेक्ट फ्रॉम सच एंड सच डेट, ये फलां तारीख से अमल दरामद फलां जगह से करेगा। दूसरी बात, मेरी आवाज आ रही है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, इसमें सिर्फ लिखा हुआ जरूर है कि इसका कोई भी फैसला जो होगा कोई नॉट विदस्टैंडिंग एनी डिसीजन
फ्रॉम द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एक बात। लेकिन इसमें एक तीसरा सवालिया निशान यह है कि बावजूद इतना अभी तक डिटेल्ड जजमेंट, यानी जो बेसिस होता है किसी फैसले का, वो अभी तक नहीं आई। ये पास हुआ है वो अभी तक, तो जो जजमेंट आई थी शॉर्ट ऑर्डर आया उसका, वो नहीं आया। यानी आज अगर कोई उसे चैलेंज भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये फैसला अभी आएगा जब, तो फिर उसके तो फिर डेट्स में ये वाली भी एम्बिग्युटी मौजूद है। तो ये तीन पूल अगर आप देखें, लेकिन बुनियादी वही है कि चूंकि इसके साथ किसी का कोऑपरेटिव एक्शन नहीं है, जो फौजदारी अमूमन कवानीन का जो रेगुलेटरी होते हैं उसमें ये शर्त लाजमी होती है। ये दुनिया भर में कानून मतलब कि ये इसी लागू होगा, अभी से लागू होगा, लेकिन जो है वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है उस पर भी ये इस पर होगा। तो रन साहब, ये तो फिर हुकूमत जो है वो अपनी बिल बता दी। देखिए मैं वैसे हुकूमत को एक मशवरा देता हूँ कि ये आइन पे और कानून पे अमल दरामद करें। देखें इनकी परफॉर्मेंस तो है कुछ नहीं है। ये इनके टिपिकल टैक्टिक्स हैं डाइवर्जेंस के, ठीक है। एक तो ये चाहते हैं कि हमने सीटें जीती ना हो, एक नई रीति चल पड़ी है कि पहले आपने सीटें जीती नहीं, आपने फॉर्म 47 पे आपने वो अपने नाम कर ली, उसके बाद जो आपकी रिजर्व सीटें नहीं बनती थी वो आपने अपने नाम करने की कोशिश की। जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, मेजॉरिटी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई, लार्जर बेंच की, 13 रुकनी बेंच की, अब वो अगर उसमें भी आपको शिकस्त हुई, ठीक है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम इसको एक अजीबो गरीब किस्म के लेजिस्लेशन करके, और कह रहे हैं देखें ये कोई किसी भी आप कानूनदान से पूछ लें कि रेट्रोस्पेक्टिव कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। क्या हम कोई कल आज जजमेंट एक पास कर दें कि उसका वो कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो डिटेल जजमेंट नहीं आई, तो ये थोड़ा वेट कर लेते ना डिटेल जजमेंट का। देखिए इनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। इकोनॉमी तो देखें आपने, इन्होंने बिल्कुल 2.5 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये वहाँ ले गए हैं जहाँ से अब मुझे ये खौफ ये आ रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ से उठेगी कैसे, ठीक है। तो अब इनका टिपिकल, अब जब आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती तो अब इन्होंने एक काम किया है, डिफाइंस एंड डाइवर्जन, यहाँ थोड़ा डिफाइंस कर ही जाए कि देखें जी हम मदारों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट के साथ या डायरेक्ट टकराव में जा रहे हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब इनका ये है कि ये सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम बड़ी बाशऊर है, उनको पता है कि ये हुकूमत फेल हो चुकी है। आज आप किसी से पूछने जाके कि इस ये हुकूमत फेल हुई कि नहीं हुई। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, अल्टीमेटली जब कोई डिस्प्यूट होएगा, अब एक कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई डिस्प्यूट होएगा उसका फैसला कहाँ पे होगा? सुप्रीम कोर्ट पे होएगा। ये इनका राइट है, कोई नोबडी टेक्स द राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ। ये बिल्कुल, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो राइट है वो भी देखें, वो भी नहीं लिया जा सकता। कल को सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये जो आपकी जो आपने कानून पास किया है ये आइन की स्पिरिट के और आइन के मुनाफी है, तो क्या होएगा? तो प्रिवेल क्या करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वो प्रिवेल करेगी, तो इसका मतलब है कि हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं टकराव होगा फिर, मैं तो पहले बता रहा हूँ, हमें तो पता है कि ये इनको पता है कि इनसे हुकूमत ये फेल हो चुकी है, ये सियासी शहीद बनने के चक्करों में। अगर सर, अगर आप समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो हुकूमत घर जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो है कोई ऐसा फैसला दे सकती है या कोई ऐसी चीज आ सकती है? देखिए ये आप कहना तो कबल वक्त है, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जो मैं माहौल देख रहा हूँ कि हुकूमत को एक बात पता है कि इनसे अब डिलीवरी कोई नहीं हो रही। अब देखें बिजली के बिलों के अंदर जो महंगाई का तूफान है, जो बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, आप रुपए की बेकदरी देख लें, आप हर चीज़ पर देख लें, ये हुकूमत फेल हो चुकी है। अब ये चार, और ये हुकूमत वैसे 6 माह की हुकूमत नहीं है, ये 2.5 साल की हुकूमत है, ठीक है, क्योंकि यही शामिल कर ये देखिए ऑब्वियसली 2010 अप्रैल 2022 से ये इसमें बोलना नहीं, अब बोलना नहीं उनके साथ नहीं है अब इन्हीं, लेकिन हुकूमत तो यही थी ना, शहबाज शरीफ साहब भी थे ना हुकूमत में, उसमें मौलाना साहब का तो एक आध वजारत थी ना, मेन तो ड्राइविंग सीट पे तो यही नूनी की है ना। तो अब इन्होंने ये फैसला किया है, अब अपनी तरफ से ये करें, लेकिन मैं आज आपकी शो पे पिशन को ही कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये इसमें भी फेल हो जाएंगे, ये जो इनकी टकराव की पॉलिसी है ना उसमें भी ये फेल हो जाएंगे। देखिए जैसे ये पहले हर चीज़ में फेल होते रहे, पहले इनका ख्याल था हम हुकूमत ले लेंगे, इन्होंने जैसे वो आज मुझे वैसे इनकी बात पे हंसी आ रही है कि जो सिंध हाउस में मंडी लगी थी लोगों की, लोगों के जो ज़मीर खरीदे जा रहे थे, जिस तरह लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग करवाई जा रही थी, ठीक है, जो लोग अपने साथ मिलाए गए, 20 लोटे पंजाब में बनाए गए, आपको पता फिर 17 जुलाई में उन सबको शिकस्त हो गई, ठीक है, और 15 बंदे जो हमारी टिकट पर इलेक्ट हुए वो इनके साथ, उनको एक ऑपोजिशन में बैठा दिया कि जी आप अच्छे बच्चे बन के ऑपोजिशन की सीटों पर बैठ जाएं। तो वो जो कुछ इस मुल्क में लोगों ने देखा है वो लोग भूले नहीं है। आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करना बड़ा आसान है, उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल काम है,
और मैं इनको मशवरा देता हूं आईएनआर कानून पे अमल करें। राय साहब को टकराव तो नहीं होने जा रहा सर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी बात है जो अपना फैसला उस पर अमल दरामद करवाना है और पार्लियामेंट जो है वो चाहती है कि उसके कानून पर अमल दरामद हो, तो फिर ये तो टकराव है सर पे। देखिए बिल्कुल कोई टकराव नहीं होगा, जो अमेंडमेंट्स आई हैं जैसे मैंने पहले कहा इसको कोई जी हो शख्स जब पढ़ेगा तो वो कहाँ पे आईन से मुस्तस्ना है, वो तो वही है जो आईन में लिखा हुआ है, वही है जो इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, उसमें तो कोई कोई चीज है, सिर्फ उस चीज को के वो जो एक एक, एक गलत उसकी तशरीह की गई थी उसको क्लैरिफाई किया गया। अगर तो वो उसकी रूह के खिलाफ हो, मसलन एक टाइम पे कुछ अदालतें स्पेशल उसको स्ट्राइक डाउन किया गया था आईनी अमेंडमेंट को, तो वो आईन बुनियादी रूह के खिलाफ थी सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जब जजेस इसको देखेंगे ने, मेरा नहीं ख्याल के इसमें किसी जगह पे भी आईन इसको पढ़ ले और आईन की क्लॉजेस को पढ़ ले और बताए कि कहाँ पे ये मुतसादम है। जुवे साहब मैं आपकी इजाजत से सवाल पूछना चाहता हूँ। राय साहब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस फैसले की जो उन्होंने 13 जनवरी को फैसला किया था उसकी गलत इंटरप्रिटेशन हुई थी, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने की थी, ठीक है, तो उसका जिम्मेदार कौन है वो मुझे आप बात बता दें। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं ये जो आपने जो कानून पास किया है ये प्रोस्पेक्टिव हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, तो फिर आपका आप क्या करेंगे, आप उस फैसले पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? सर जवाब राय साहब दें, जवाब दें नहीं जी, आप ये कानून पढ़ के देखें किसी जगह लिखा हुआ है कि इसका अमल दरामद 2023 से होगा या 24 की फरवरी से होगा। रेट्रोस्पेक्टिव कानून वो होता है कि विल बी टेक इनटू इफेक्ट और बाजी की कोई डेट लिखी होती है। आप जरा देखें किस जगह इस पे रेट्रोस्पेक्टिव का कोई तासुर जुमला कोई लफ्ज हो तो मुझे बता दें। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये कानून प्रोस्पेक्टिव है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है? रेट्रोस्पेक्टिव का लफ्ज हो कहीं माजी की कोई तारीख लिखी हो तो फिर आप चले तो इसका मतलब कि आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होगी आप उसको मान लेंगे, चले ये अच्छी बात है। चले राय साहब फिर ये क्या नहीं फिर जारी बात है सर, कंफ्यूजन तो है ना सर कि अब भी भाम है, तो इस भाम को दूर करने के लिए ये बेहतर नहीं है कि आप जो है वो तरीके इंसाफ के साथ बैठ जाए या तरीके इंसाफ आपके साथ बैठ जाए तो मामला हल कर लें? कुछ तरीके इंसाफ का बैठने का स्टाइल ये था कि वो कह रहे थे कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे ये बेख्तियार हैं। अच्छा जब इख्तियार वालों की बात की तो इन्होंने कहा जी कि हम आर्मी चीफ को मजाक दावत देते हैं वो अपना नुमाइंदा मुकर्र करें, एक जुमला जरा गौर कीजिएगा, क्या आर्मी चीफ अपना नुमाइंदा मुकर्र करें हम इनके साथ बैठते हैं? हाँ। साथ ही कह रहे हैं कि हम और से नकवी के साथ बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका नुमाइंदा है। आप इन दो जुमलों के देख लें तो ये कंफ्यूजन का पहाड़ है कि एक तरफ फौज अपना नुमाइंदा मुकर्र करे और एक तरफ जी हम वजीर दाखला के साथ मुजाकरात नहीं करेंगे, पहले शर्त के वो उनका नुमाइंदा है, अगर आप उनका नुमाइंदा है और आप उनके नुमाइंदे से बात करना चाहते हैं तो पहले यानी ये ऐसी बातें हैं तो ये बात होगी। दूसरी यह है कि ये बिल्कुल चले राय साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, राय कमर साहब आपका शुक्रिया, रानाते साहब आपका शुक्रिया सर। बात सिर्फ इतनी की है कि मुज़ाकरात की बात इसलिए की जाती है कि दो सियासी जमातें बैठें आपस में और मामलात को हल करें, लेकिन ये मामलात जो है वो हल हो नहीं पा रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद अगर नहीं होता तो जारी बात है टकराव की सूरत हाल होगी और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में एक नया टकराव सामने आएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन बांग्लादेश की सूरत हाल वैसे की वैसी ही है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनकी रिहाई का अमल जो है वो शुरू हो गया, कई जनरल जो है तब तब्दील हो गए हैं और कई लोगों को वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।